Hi Akshar. Good morning, Akshar. Hello everyone, good morning, this is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy and I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. Hi Akshar, good morning, how are you? How are you doing? Alright, so good morning to all of you out there. आज आप लोग कुछ अलग ही चीज देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, राइट? डेली आई कम अप विद द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज मैं क्या लेके आई हूँ? द इंडियन एक्सप्रेस। हाउ कम? आप लोग पूछोगे नहीं? हाउ कम मैम, इंडियन एक्सप्रेस क्यों आज? हाँ, सो ज्यादा लोगों को आज आने दो, साथ में सबको बता देती हूँ, ठीक है? सो गाइस, आई ब्रिंग दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन every day from Monday to Saturday for you guys from 10:15 to 11 morning में 10:15 to 11 ये 45 minutes का session मैं रोज लेके आती हूँ Monday से Saturday आपके लिए, ठीक है? रोज ही attend करना इसीलिए जरूरी है so that current affairs आपके रोज update हो, रोज के रोज current affairs update होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दिन करो, 10 दिन के बाद करो, फिर हफ्ते में एक दो दिन करो, नहीं चलेगा ऐसा। बिकॉज करंट अफेयर्स इज नॉट समथिंग आप थोड़ा पढ़ो थोड़ा छोड़ दो चलेगा। करंट अफेयर्स आप अक्यूमुलेट करके बाद में भी नहीं पढ़ सकते हो। सो एवरी डे आपको करंट अफेयर्स अपडेट करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ माई सेशंस। जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और फिर आपको रोज ये क्लास अटेंड करनी है। अभी आपको खुद को ही नहीं करनी है, ये बिल्कुल फ्री वाली क्लास है। आप चाहो उतने लोगों के साथ शेयर करो अबाउट द क्लास, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। शेयर जितना करोगे आपको भी एबेंडेंस में नेचर से ज्यादा सामने से मिलेगा, राइट? तो जल्दी से शेयर बटन पे क्लिक कीजिए एंड शेयर अबाउट माई क्लास विद ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स एंड एवरीबडी, ओके? जिसको भी आप जानते हो जो लॉ एंट्रेंस दे रहा है या कोई और एंट्रेंस भी दे रहा है, अगर यूपीएससी, बैंकिंग एग्जाम और करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो शेयर अबाउट दिस क्लास विद ऑल ऑफ देम आउट देयर, ओके? आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस पे भी रोज शेयर कर सकते हो। आपको नहीं पता है कि आपके कौन से फ्रेंड्स कर रहे हैं, कभी ऐसा भी होता है, या कोई फ्रेंड के फ्रेंड भी कर रहे हैं तो आपको ये आप शेयर करोगे तो उनका फायदा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जल्दी से कर लीजिएगा आप लोग, शेयर बटन क्लिक कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस और आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर सकते हो अबाउट दिस क्लास। ऑलराइट, ओके, जल्दी से मैं चाहती हूँ सब लोग शेयर कर ले। एंड मैं क्यों आज द हिंदू न्यूज़पेपर के बजाय इंडियन एक्सप्रेस लेके आई हूँ ये मैं बताती हूँ। लेट मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, देन आई विल टेल यू दैट, ओके? चलो, तो तब तक मीनवाइल मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी एंड अन एकेडमी के बारे में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। ऑलराइट, ओके, सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस। एज अर्लियर आई वॉज एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्सेज, आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स। एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू एंड शेयरिंग माई नॉलेज। सो या गाइज, दैट्स मी। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी मिल गई न्यू स्टूडेंट्स को, ओके? हम लोग क्या कर रहे हैं आज गाइस? हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास कर रहे हैं, ठीक है? ये जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे अन एकेडमी के फीचर्स हैं। अन एकेडमी आज के दिन में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ट्रस्ट माय वर्ड, बढ़िया सा बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए है, जिसमें आपको ना ही सिर्फ पेड वाली क्लासेस बट फ्री वाली क्लासेस भी मिलती है, जिसमें भी काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है। तो अन एकेडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया ना, तो पहले तो फ्री में है ये अन एकेडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड करना जल्दी से कर लीजिए, ठीक है?
फिर आपको साइन अप करने के लिए कोड पूछेंगे, यू कैन यूज माई कोड निधि लाइफ, ये कोड यूज करके आप एंटर कर सकते हो। एंड ये एंटर करने के बाद आप निधि ध्रुव ये नाम सर्च कीजिए, मेरी जितनी भी क्लासेस है स्पेशल एंड प्लस ये दोनों आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, व्हाट इज स्पेशल क्लास, व्हाट इज प्लस क्लास? तो स्पेशल क्लास मतलब बिल्कुल फ्री वाली क्लास अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, प्लस क्लास मतलब पेड वाली क्लास। ठीक है, तो स्पेशल क्लास फ्री वाली क्लास पहले अटेंड कीजिए, हफ्ता 10 दिन जज कीजिए आपको टीचिंग कैसा लग रहा है, मेरा देखिए, बाद में दूसरे एडुकेटर्स का भी देखिए स्पेशल क्लासेस, एंड जज कीजिए आपको टीचिंग कैसा लग रहा है। अगर आपको टीचिंग अच्छा लग रहा है, जो कि डेफिनेटली लगेगा ही, बेस्ट एनएलयू एल्यूमनाइज इधर पढ़ाते हैं, बेस्ट ऑफ द एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, आपको टीचिंग बढ़िया लगेगा ही लगेगा, उसके बाद बहुत डीले मत कीजिए, बिकॉज सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन जल्दी से लेना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से स्पेशल क्लास देखिए, हफ्ता 10 दिन देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको लेना है या नहीं सब्सक्रिप्शन, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप ये सारे बैचेस अटेंड कर पाओगे, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस प्रॉपरली सिस्टमैटिकली आपका कवर होगा। फ्री वाली क्लासेस में क्या रैंडमली टॉपिक्स होते हैं, तो पूरा सिलेबस अच्छी से कंप्लीट नहीं होता है। द कोर्सेज आर डिजाइन इन सच अ वे कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी मैं जो स्पेशल क्लासेस की बात कर रही थी, तो आज मेरी एक स्पेशल क्लास हो रही है स्टैटिक जीके की क्विज, जो कि मेरे को कल ही स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया था। तो स्टैटिक जीके की क्विज मैं करवाऊंगी 9:30 to 10:30 इवनिंग में, लेट इवनिंग स्टैटिक जीके की क्विज हमारी आज होगी 9:30 to 10:30, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो देखो ये बढ़िया सी प्राइस है, ऑलरेडी वेरी लेस प्राइस, उसके ऊपर ऑलरेडी ये लेस प्राइस पे और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड निधि लाइव यूज़ करते हो। तो निधि लाइव ये कोड भूलना मत यूज़ करना, एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये जल्दी से ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि देखिए एक तो स्पेशल क्लासेस में भी मस्त फीचर्स है, प्लस क्लासेस में भी, स्पेशल क्लासेस में भी आपको पोल ऑप्शन मिलता है, जिसमें लगे ABCD ऑप्शंस और फिर रैंकिंग, आपने कितनी सेकंड्स में आंसर दिया, वो सब डेटा आपको फिर एक साथ मिलता है व्हेन वी शो लीडर बोर्ड। फिर पोल आपको रेज योर हैंड ऑप्शन होता है, जिसमें आप ऑडियो के थ्रू एडुकेटर से बात कर सकते हो, तो ये मस्ट फीचर्स है। तो आप थोड़े दिन स्पेशल क्लास अटेंड कीजिए, फिर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ऑफकोर्स सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आप फ्री वाली और पेड वाली दोनों क्लास अटेंड कर पाओगे, पर प्रॉपर सिलेबस जब भी कंप्लीट करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, प्लस क्लास अटेंड करनी चाहिए। और जब तक प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छी एनएलयू क्रैक करो। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, निधि लाइव कोड भूलना मत 10% डिस्काउंट के लिए। आई होप लाइव क्विज फीचर आप लोग यूज़ कर रहे हो। अन एग्री मिलो एप्टीट्यूड टेस्ट आज 11 बजे, मेरी क्लास के बाद तुरंत दीजिएगा जरूर, मेरी 11 o'clock को क्लास खत्म हो जाएगी, दीजिएगा जरूर। वीकली T20 टेस्ट होती है जो मंडे से फ्राइडे है, आज नहीं है एक भी। ठीक है, और ये जो चैनल है जहाँ आप मुझे अभी देख रहे हो, अन एग्री क्लैट यूट्यूब चैनल, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सो दैट आप मिस ना करो एक भी सेशन। मैंने जैसे बताया, करंट अफेयर्स तो रोज़ अपडेट करना ज़रूरी है। फिर कमेंट करो हमारे वीडियोस पे कैसी लगी, और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, एंड शो अस सम लव, शो अस सम मोटिवेशन। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये हुई हमारी अन एकेडमी की और मेरे बारे में थोड़ी थोड़ी बात। अच्छा, आज आप लोग अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं मैं देख रही हूँ, तो बता दूँ कि आज द हिंदू न्यूज़पेपर के बजाय इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ से आ गया है। तो द इंडियन एक्सप्रेस आज 11th सितंबर को हम लोग न्यू दिल्ली का ऑडिशन वाला कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो क्यों ये कर रहे हैं पहले ये बता दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से एनालिसिस करना। तो द हिंदू न्यूज़पेपर आज उसका ई पेपर ऑडिशन अवेलेबल था नहीं। ओके, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और मैं रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का ई कॉपी आपके लिए लाती हूँ और उसमें से पढ़ाती हूँ, बट आज एक भी सिटी के ऑडिशन में वो अवेलेबल नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद गणेश चतुर्थी था कल, तो उसका छुट्टी था, पब्लिश नहीं हुआ है न्यूज़पेपर, इसकी वजह से ये था कि न्यूज़पेपर नहीं मिला। तो मैंने सोचा आपका क्लास तो मिस नहीं करवाना है आप मुझे, आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस तो एनी हाउ देना है, रोज़ करंट अफेयर्स तो हमें अपडेट करने ही है,
तो इफ नॉट द हिंदू न्यूज़पेपर, व्हाई नॉट टू गो विद द इंडियन एक्सप्रेस. तो द हिंदू न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं था आज, तो हमने द इंडियन एक्सप्रेस लेके आए. राइट गाइज, तो एक भी दिन मुझे मिस नहीं करवाना है आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. सो आई केम अप विद द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. ऑलराइट ऑलराइट गाइज. अक्षर सिंह, फिजिकल कॉपी भी नहीं आई द हिंदू की. हाँ, तो मोस्टली गणेश चतुर्थी की वजह से अक्षर छुट्टी था द हिंदू का, इसीलिए मैंने ये लिया है. पूर्णाक्षी व्यास इज आस्किंग, इज इट इनफ टू जस्ट डू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन विद मी और आफ्टरवर्ड्स रीड भी करना है? तो नहीं, आफ्टरवर्ड्स रीड नहीं करना है. मैं जो भी अभी न्यूज़पेपर, अभी आप कॉन्सेंट्रेशन से फुल पढ़िए पूर्णाक्षी, ठीक है? जो भी मैं न्यूज़ पढ़ समझाती हूँ ना, वो सब ध्यान में रख लीजिए. और मैं जो स्टार मार्क करूँगी ना, न्यूज़ स्टूडेंट अगर आप हो तो पता बता दूँ, मैं रोज़ स्टार मार्क करती हूँ न्यूज़, वो वाली न्यूज़ की नोट्स बनानी है, दैट्स इट. तो क्लास के बाद आप जस्ट नोट्स बना लीजिए, एंड मैंने जितना पढ़ाया उसको अब भी बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए. आपको एक आइडिया रहना चाहिए हर न्यूज़ के बारे में, दैट्स इट. वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके, सो आज पहला न्यूज़ है जो कि लिखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मैंने जूम किया है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ इधर, ये न्यूज़ लिखिएगा ज़रूर. माइनिंग पावर ड्राइव, ये माइनिंग इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, इनका जो फैक्ट्री आउटपुट है वो ऑलमोस्ट, ये इंडस्ट्री में फैक्ट्री आउटपुट ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे आ गया है. तो कोविड के पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? माइनिंग सेक्टर में, पावर सेक्टर में वैसी इकोनॉमी वापस आना स्टार्ट हो रहा है, ये जुलाई के डेटा देख के पता चल रहा है. तो उसी के बारे में बताया गया इधर. इंडस्ट्रियल आउटपुट रोज बाय 11.5% इन जुलाई 2021 अगेंस्ट 10.5% कॉन्ट्रैक्शन इन जुलाई 2020. तो जुलाई 2021 में 11.5% जितना इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा है, स्पेशली इन माइनिंग सेक्टर एंड पावर सेक्टर. और इसके कंपैरिजन में अगर जुलाई 2020 में देखें, जब ही कोविड फुल फ्लेज था, तभी 10.5% कॉन्ट्रैक्शन, माइनस में 10.5% था. तो अभी वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे आना स्टार्ट हुआ है. सो लेड बाय शार्प एक्सपांशन इन द माइनिंग सेक्टर एंड ग्रोथ रिकॉर्डेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और माइनिंग सेक्टर में एक्सपांशन जो हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसके वजह से इतना अच्छा जंप देखने को मिला है. दिस डेटा इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस शोड ऑन फ्राइडे. ओके, द जुलाई डेटा शो इंडस्ट्रियल आउटपुट अ नियर प्री पैंडेमिक लेवल्स एंड एनालिस्ट एक्सपेक्ट कि ये अगस्त में और बेटर हो सकता है. तो अगस्त महीना हो चुका है बट उसके डेटाज निकालने अभी बाकी है, तो अगस्त में और भी बेटर होगा ऐसा वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉर जुलाई वॉज लोअर देन 13.6% रिकॉर्डेड इन जून, विच वॉज इम्पैक्टेड बाई लो बेस ऑफ 2020. सो 2020 में जो लो बेस हुआ उसके वजह से 13.6% जितना लोअर गया था, ठीक है, मतलब उतना था, और अभी इतना हाइक देखने को मिला है दिस जुलाई 2021. तो इट्स रीचिंग ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़, ठीक है? दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विच आई हैव स्टार मार्क्ड, पुट अ स्टार मार्क ओवर इट. प्लीज़ इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ थोड़ी क्रिकेट रिलेटेड है बट फ्रंट पेज पे है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है. हेलो, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम ये देखते हैं कि लास्ट टेस्ट मैच जो होना था वो कैंसिल हो चुका है. फिफ्थ एंड फाइनल टेस्ट मैच होना बाकी रह गया था, ये सीरीज जो हो रहा था अभी इंडिया इंग्लैंड का, उसमें इट इज़ कैंसल बिकॉज हमारा जो टीम है इंडियन टीम में, यू नो, इंडियन कैंप में टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, स्पेशली इंडियन फिजियो. तो इंडियन फिजियो टेस्ट पॉजिटिव कुड बी रीशेड्यूल, तो लास्ट टेस्ट रीशेड्यूल हो सकता है बट अभी के लिए फिलहाल कैंसिल रखा गया है, ठीक है? सो ओल्ड ट्रैफोर्ड इन मैनचेस्टर होने वाला था, वो कैंसिल हुआ है क्योंकि कोविड 19 आउटब्रेक हुआ है इंडियन कैंप में. इन अ स्टेटमेंट बाई BCCI, इट सेड इट्स वर्किंग ऑन रीशेड्यूलिंग द गेम. जल्दी ये रीशेड्यूल होगा और वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत इस चीज के लिए कर रहा है. तो ये ध्यान में रखिए बस कि ये एक लास्ट टेस्ट, ये सीरीज का टेस्ट मैच जो लास्ट था वो कैंसिल हुआ है अभी बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है? ओके,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करते हैं, वो लिखनी नहीं है क्रिकेट वाली न्यूज़, दैट्स ओके ओके. नेक्स्ट वन हम करेंगे एवरेज डेट ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स अप 57% इन 5 years टिल 2018. तो हम ऑलमोस्ट जो फार्मर्स लोग जो लोन लेते हैं वो फार्म हाउस होल्ड्स जो भी फार्मर्स की फैमिली की जो लोन्स है वो 57% जितनी बड़ी है टिल 2018. तो 2013 तक जो सिचुएशन था उससे 2018 तक 13 से लेके 18 में 57% जितना एवरेज लोन बड़ा है फार्मर्स की फैमिलीज का. ठीक है, तो दिस इज़ अ बैड न्यूज़. इंडिया में फार्मर्स अगर नहीं रहेंगे और उनकी ऐसी हालत होगी तो इंडिया का फ्यूचर इज नॉट गुड. ओके, सो एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इंक्रीज 57.7%. ऑलमोस्ट हम बोल सकते 74,121 रुपीज़ इन 2018 एवरेज, मतलब हर फैमिली की इतनी बढ़ गई है लोन. और जो कि 2013 में एवरेज था 47,000 का लोन पर फैमिली, तो 2013 से 18 में इतना बढ़ गया है. ठीक है, तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये डेटा निकाला है, इससे पता चला है. फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019 रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन फ्राइडे ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट द एवरेज मंथली इनकम ऑफ डिफरेंट सोर्सेज रोज 59% टू रुपीज 10,218 बेस्ड ऑन द पेड आउट एक्सपेंसिस अप्रोच इन 1819 कम्पेयर विद 6,426 इन 1213. तो इधर बोला गया है, दूसरा भी एक सर्वे निकला है उसमें बोला गया है, जो सर्वे है सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड उसमें भी और ये एक सर्वे और एक तीसरा सर्वे लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019, ये तीसरा सर्वे, तीनों सर्वे हुए हैं. एक का तो हमने जान लिया क्या है लोन्स के बारे में, दूसरा सिचुएशनल असेसमेंट वाला और लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड में जो पता चला है वो, ये सर्वे किसने निकाला, ये दो सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने ये फ्राइडे को निकाला डेटा. और ये सर्वे के हिसाब से पता चला है कि एवरेज मंथली इनकम भी जो है ना डिफरेंट सोर्सेज से 59% जितनी बड़ी है, ऑलमोस्ट 10,218 रुपये जितना एवरेज उनका इनकम हो गया है एज़ कम्पेयर टू 6,426 जो 2012-13 में था. तो इनकम भी सामने बढ़ा है ऐसा भी पता चल रहा है. ठीक है, एंड मोर देन 50% ऑफ इंक्रीज इन इनकम वॉज अकाउंट ऑफ हायर मंथली वेजेस विच ऑल्सो डबल द 4,063 इन 2018 कंपेयर विद 2,071 इन 2013. तो मिनिमम वेजेस जो उनको मिलने चाहिए ना उनमें भी इंक्रीज हुआ है, जो 2,000 रुपये जितना ऑलमोस्ट था अभी 4,000 रुपये जितना हो गया, 50% हाइक उसके वजह से हुआ है, इसलिए इनकम में भी हाइक हुआ है. तो लोन भी कहीं ना कहीं उनकी बढ़ गई है बट इनकम की कहीं भी बढ़ गई है, ये तीनों सर्वे से पता चला है. ठीक है, ये लिखिएगा ज़रूर गाइस, इंपॉर्टेंट है तीनों सर्वे के बारे में लिखना. तो इसको भी मैंने स्टार मार्क किया है, लिखिएगा गाइस. ठीक है, यस विकास ऑफ कोर्स, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगी. ठीक है, ऑलराइट, ये एक तीन न्यूज हुई हमारी फ्रंट पेज की. और आगे देखते हैं, दिस इज ऑल्सो सुपर इम्पोर्टेंट न्यूज, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ये न्यूज को भी लिखना है. 10 days आफ्टर योगीज प्रोडिंग 22 मथुरा वॉज डिक्लेयर्ड होली एंड दे आर गोइंग टू बैन मीट एंड लिकर. तो पहले तो योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन पहले एक डायरेक्शन दे दिया था मथुरा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टू वर्क ऑन बैनिंग मीट और लिकर और अल्कोहल और मीट वगैरह बैन किए जाए वो 22 डिस्ट्रिक्ट में. ऐसा ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दे दिया था, डायरेक्शन दे दिया था. जैसे ही उस पर उन लोगों ने एक्ट करना चालू किया, फाइनली योगी आदित्यनाथ 10 दिन के बाद नोटिफिकेशन लेके आ गए कि 22 वार्ड जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मथुरा वृंदावन है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसे पवित्र तीर्थ स्थल डिक्लेयर किया गया है. पवित्र तीर्थ स्थल मतलब क्या, पायस पिलग्रिमेज, पायस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. तो उधर सेल ऑफ अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन फूड बैन हो जाएगा आफ्टर दिस नोटिफिकेशन. तो ये योगी आदित्यनाथ ने किया है बिकॉज मथुरा वृंदावन एक होली प्लेस माना जाता है, एक बहुत पायस प्लेस माना जाता है. ठीक है, क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, ध्यान में रखना है, मैंने जितना अंडरलाइन और हाईलाइट किया है वो आपको लिखना है. नेक्स्ट वन, ये भी न्यू आपको
ध्यान में रखनी है, लिख लेना, ये भी मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। आईटी सर्वेज ऑन प्रोवाइसेस ऑफ न्यूज पोर्टल्स, न्यूज क्लिक फेसेस एक्शन बाय थर्ड एजेंसी। तो इनकम टैक्स सर्वे कर रहे हैं अभी न्यूज पोर्टल्स की प्रोवाइसेस पे, न्यूज क्लिक करके जो एजेंसी है तीसरा ऐसा एजेंसी है जो उनका सर्वे कर रहा है। हमको पता है कुछ दिनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यूज क्लिक को काफी परेशान कर रहे थे, अभी इनकम टैक्स अथॉरिटी भी पहुंच गए वहां पे उनकी प्रमाइसिस को सर्च करने के लिए। तो न्यूज क्लिक और उसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री करके एक है पोर्टल, उनका भी प्रमाइसिस में सर्च हो रहा है आईटी का, इनकम टैक्स का। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी हुई हमारी फ्रंट पेज, द इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की सारी न्यूज हमने कवर की, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पंजाब में अमरिंदर जी की गवर्नमेंट, सीएम पंजाब की जो है मिस्टर अमरिंदर, उनकी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट स्टाफ को हम कंपलसरी लीव दे देंगे अगर उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन भी नहीं लिया। एटलीस्ट एक वैक्सीन भी नहीं लिया है तो सारे गवर्नमेंट स्टाफ को कंपलसरी छुट्टी पे भेज देंगे हम लोग, ऐसा बोला है, ठीक है। एग्जाम बोर्ड ऑफ इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ध्यान रखना है कि स्टेट्स ने भी ये चीज़ चालू किया है कि वैक्सीनेशन के बिना हम आपको कहीं नहीं एंटर होने देंगे, कहीं काम नहीं करने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, कांग्रेस इज गोइंग टू होल्ड 12,000 किलोमीटर प्रतिज्ञा यात्रा अक्रॉस यूपी। तो यूपी में ये प्रतिज्ञा यात्रा करके कांग्रेस पूरा करने वाला है, जिसमें रैलीज निकालेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 में। 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 403 जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला यूपी स्टेट है, इसमें 12,000 किलोमीटर लंबा एक रैली जिसको लोग प्रतिज्ञा यात्रा बोल रहे हैं निकालेंगे, ऑफकोर्स फॉर देयर प्रमोशन, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 में यूपी में, ठीक है। गाइस एक सेकेंड, एक मिनट, आपकी कमेंट्स देख लेती हूँ। ओके, किसी ने कोई डाउट्स अभी तक तो पूछा नहीं है क्या? कोई डाउट्स नहीं है आप लोगों को गाइस आज? और अगर आपको अच्छी लग रही है न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन तो लाइक बटन तो जल्दी से हिट कर दीजिए। क्या कर रहे हो? हाँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ बहुत कम लाइक्स है, तो जल्दी से लाइक बटन भी हिट कीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। एक तो देखो बिल्कुल फ्री में आपको ये सेशन मिल रहा है, द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं था तो मैं इंडियन एक्सप्रेस भी लेके आई, तो आपको थोड़ा लाइक करना तो बनता है गाइस। नेक्स्ट वन, अ न्यू कोविन फीचर टू शो जैब स्टेटस ऑफ स्टाफ। जैब मीन्स वैक्सीन, ओके। सो स्टाफ, किसी भी गवर्नमेंट के स्टाफ का जैब स्टेटस जो होगा, वैक्सीनेशन स्टेटस, मतलब पार्शली वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है, ये न्यू कोविन फीचर इसके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ऑफकोर्स एग्जाम बोर्ड ऑफिस से खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको ध्यान में रखने वाली न्यूज है। क्या हुआ शिवम सेल्स? नो मैम, क्या किसके लिए नो मैम बोल रहे हो? सीमा इज सेइंग मैम फ्रॉम वेयर टू गेट मंथली कंपेंडियम। मिल जाता है बेटा ऑनलाइन आपको मंथली कंपेंडियम आसानी से, गूगल कीजिए मिल जाएगा, ठीक है। चलो मुझे अभी देखना है, सभी लोग 14 लाइक अटेंड कर रहे हैं, 14 के 14 मेरे को लाइक्स चाहिए, बाद में ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। एडिटोरियल पेज पे आ चुके हैं हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के, मैं बाद में ही आगे बढ़ रही हूँ, पहले जल्दी से सब लोग लाइक बटन हिट कर लीजिए क्विकली। सिर्फ 8 लाइक्स देख रही हूँ मैं अभी। आप लोग को कितना लेजी क्यों फील होता है मुझे नहीं समझता है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आप अटेंड कर रहे हो, आपको इतना फायदा मिल रहा है, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हो आप गाइज? हाँ, दैट्स टू बैड। लाइफ में थोड़ा ग्रैटिट्यूड तो सीखना ही चाहिए सभी लोगों को। हाँ चलो जल्दी से सब लोगों को लाइक कर। हाँ तीशा, आज इंडियन एक्सप्रेस बिकॉज आज बेटा द हिंदू न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं था, ई पेपर उसका, मोस्टली कल गणेश चतुर्थी था तो इसके लिए वजह इससे पब्लिश नहीं हुआ है, तो आज कोई भी एडिशंस उसके अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए आज
मैंने सोचा मिस नहीं करवाना है आपका सेशन एनी हाउ, मतलब करंट अफेयर्स तो आपके अपडेट होने ही चाहिए रेगुलरली, तो मैं क्यों द हिंदू नहीं है तो फिर मैं क्यों बंद करूँ सेशन। ऑफकोर्स इसलिए कंटिन्यू रखने के लिए मैंने बोला इंडियन एक्सप्रेस लेके आती हूँ, ठीक है। विकास इज आस्किंग मैम आज क्विज होगा, तो यस विकास देखिए मैंने क्विज अनाउंस किया हुआ था, आज बता देती हूँ, आज ये वाली मेरी स्पेशल क्लास हो रही है स्टैटिक जीके क्विज, देखिए आप 9:30 से 10:30 आप लोगों ने कल रिक्वेस्ट किया तो आज ले रही हूँ मैं स्टैटिक जीके क्विज, ठीक है। ऑलराइट चलो आगे बढ़ेंगे हम, पूर्णाक्षी सिंह रोज क्विज ले लो बेटा। हाँ मैं तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट मेरी क्विज क्लास होती है 3-4 दिन वीक में, आप तो आते नहीं हो, आ जाओ आप भी, मैंने कभी देखा नहीं आपको कोई क्लास में, ठीक है। चलो द एडिटोरियल पेज पे आते हैं, तो देखिए एक तो 9/11 का 20 years later वो वाला लीड सेक्शन दिया है जो कि हम स्किप करेंगे, नहीं करना है हमें। द मुस्लिम पॉलिटिको फोबिया एग्जाम वन ऑफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर स्किपिंग दिस। और 3 एडिटोरियल्स इधर छोटे छोटे द हिंदू न्यूज़पेपर के मुकाबले थोड़े छोटे छोटे एडिटोरियल्स है। एक तो इन्फ्लेशन रिस्क मैंने पूरा पढ़ डाला है, डेटा ऐसा कुछ दिया नहीं है कि खास आपको एग्जाम में काम लगे, वैसे कोई इकोनॉमी न्यूज़ नहीं है जो आपको काम लगे, तो वो मैं स्किप करवा रही हूँ। देन होम स्वीट होम ये भी स्किप कर रहे हैं, क्या है बताए, यू नो गाइस सिलिकॉन वैली में मतलब जहाँ मेजॉरिटी डिजिटल जायंट कंपनीज गूगल फेसबुक वो लोग सब लोग है, वो कंपनीज में अभी तक सब ने घर पे बैठ के काम किया, राइट। और डिजिटल कंपनीज यू नो अभी थोड़े प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, इतने टाइम से तो पैंडेमिक में वो लोग ने घर पे बैठ के काम किया, बट अभी HR रिलेटेड थोड़े इश्यूज फाइन यू नो स्टार्ट हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बोला है ये एडिटोरियल में, बट हमें एग्जाम में काम लगे वैसा कुछ कंटेंट नहीं है, मैंने पूरा पढ़ डाला है तो वी कैन डेफिनेटली स्किप दैट। तो आज हमें ये सिर्फ एक यही वाला एडिटोरियल करना है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, जूम करके बताती हूँ। ओके इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स, तो इंडिया में काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारे मिलिटेंट्स है पुलिस है दे टेक अनफेयर एडवांटेज और एक गलत तरीके से यू नो वो लोग फायरिंग कर लेते हैं, लोगों पे अटैक कर लेते हैं, और जब भी सामने से क्रॉस फायरिंग भी नहीं हो रही है तो भी रॉन्गली अटैक करके काफ़ी लोग को इंजर कर देते हैं और मार भी देते हैं, तो इसके बारे में ये बात हो रहा है। तो इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स रॉन्ग वे में इनडिस्क्रिमिनेशन करके फोर्स यूज़ करना इज रॉन्ग थिंग, ये इस बारे में आर्टिकल है, ठीक है। सो रिपोर्ट ऑन छत्तीसगढ़ पुलिस फायरिंग इन 2013 शाइन्स लाइट ऑन ग्रीवियस फेलियर देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी। तो छत्तीसगढ़ में जो पुलिस फायरिंग 2013 में हुई थी उसका जो रिपोर्ट आया है इससे पता चल रहा है कि ग्रीवियस फेलियर है ये, एंड कुछ अकाउंटेबिलिटी उनका होना चाहिए, दे शुड बी आंसरेबल टू सम अथॉरिटी, वरना ऐसी चीज़ें तो चलती रहेगी। हाँ तो देखते हैं क्या है। तो बहुत सारी इंसर्जेंसीज इंडिया में हो चुकी है, लाइक कश्मीर में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, मेओस्ट अफेक्टेड एरियाज जो है यूपी उड़ीसा महाराष्ट्र वगैरह, इन सब जगह पे काफ़ी इंसर्जेंसीज हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज हैव इनवाइटेड एक्यूजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स एंड हैवी हैंडेड कंडक्ट, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो इंडिया के हैं उन पर काफ़ी एक्यूजेशन भी लगे हैं कि वो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और हैवी हैंडेड कंडक्ट यूज़ करते हैं इन सब को टैकल करने में। ऐसी इंसिडेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड जो मैन इन यूनिफॉर्म है आर्मी वाले पुलिस वाले दे हैड नो ऑप्शन बट टू ओपन फायर, द विक्टिम्स आर देन अक्यूज ऑफ बीइंग इंसर्जेंट्स। और काफ़ी बार ये लोग जो हमारे यूनिफॉर्म वाले लोग हैं मैन इन यूनिफॉर्म दे अटैक ऑन देम दे फायर, और जो विक्टिम्स होते हैं उनको इंसर्जेंट्स का नाम दे दिया जाता है कि अरे उन्होंने घुसपैठ किया था इसलिए हमने मार दिया। हर बार ये चीज़ सच्चाई नहीं होती है, ठीक है। सो ऐसा ही एक प्रोब इन्वेस्टिगेशन हुआ ऑन द नाइट ऑफ 17-18 May 2013। सो 17-18 May 2013 की रात को एक चीज़ हुआ था, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी बाहर आया है जिसमें पता चल रहा है कि इनोसेंट लोगों को मार दिया गया था।
क्या हुआ था उस रात को? सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट ने 44 राउंड्स यू नो शूटिंग के बुलेट के चलाए, उसमें 8 लोग मारे गए, उसमें 4 तो माइनर थे, इन एडिसमिटा एंड छत्तीसगढ़ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये एरिया में लोगों को मार दिया गया। जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिटेड टू द स्टेट कैबिनेट ऑन वेनसडे, अभी ही वेनसडे को, 3 दिन पहले ही ये वेनसडे को जुडिशियल इंक्वायरी का रिपोर्ट आया है, वो भी 2013 में हुई चीज़ का 8 साल के बाद रिपोर्ट आ रहा है। इसमें कंक्लूड हुआ है कि नन ऑफ दोज किल्ड वर मेओइस्ट, कोई भी मेओइस्ट नहीं था जिनको मारा गया, सिक्योरिटी फोर्स बोल रहे थे वो लोग मेओइस्ट थे इसलिए हमने मार दिया, एक भी मेओइस्ट नहीं थे उसमें से जिसको मार दिया गया, ये पाया गया है रिपोर्ट में। और पाया गया है कि अबाउट 30 पीपल हैड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट अ सीड फेस्टिवल, जो उनका यू नो फार्मर्स का एक सीड फेस्टिवल होता है वो सेलिब्रेट करने के लिए 30 लोग साथ में आए थे ऑन द नाइट ऑफ शूटिंग। व्हेन 1000 स्ट्रॉन्ग कॉन्टिंजेंट, ओके 1000 लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉन्टिंजेंट ऑफ सीआरपीएफ शोड अप, 30 लोगों के सामने 1000 लोगों की क्या जरूरत है। द गैदरिंग द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट वॉज अनआर्म्ड, और ये जो 30 लोगों की गैदरिंग हुई थी उसमें कोई किसी के पास आर्म अमिनेशन थे ही नहीं, रिपोर्ट में ये पाया गया है। पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैड नाउ नॉट अलाउड मार्चिंग नॉर्म्स, देर वॉज नो इंटेलिजेंस बिहाइंड द ऑपरेशन एंड देर वॉज नो क्रॉस फायर, कोई इंटेलिजेंस कोई सोच समझ के पूरा प्लान बना के एक अटैक हुआ वैसे भी नहीं हुआ, कोई मार्चिंग नॉर्म्स वो लोग जो पहले चेक करे कि कोई अटैक कर रहा है नहीं और बाद में अटैक करे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, कोई क्रॉस फायर उनके सामने से भी फायरिंग नहीं हो रही थी। सिमिलर ट्रांसग्रेशन हैड बीन रिपोर्टेड इन अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू अनदर इंसिडेंट, तो ये तो हुआ ही, ये गलत हो गया जिसमें 8 लोग मारे गए, बट ऐसा इंसिडेंट का जुडिशियल इंक्वायरी और एक पाया गया था ऑल्सो इन बीजापुर अबाउट अ ईयर बिफोर इन एडिसमिटा शूटिंग, तो ये एडिसमिटा शूटिंग हुआ ना 2013 में, उसके एक साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, रॉन्ग वे में फायरिंग हो गया था। And in 2019, a one-judge commission had found that CRPF had opened fire unilaterally. सामने से फायरिंग नहीं हो रहा था, unilaterally सिर्फ उन्होंने ही फायर किया। 2019 में भी एक one-judge commission ने फाइंड किया और उसमें 17 लोगों को मारा था, जिसमें से 7 लोग माइनर्स थे। Okay? So in conjecturing that the firing could have been a panic response of some officers to an unexpected gathering, the two inquiries give the parliamentary force some benefit of the doubt. तो ऐसा मान सकते हैं कि वो गैदरिंग की वजह से पैनिक में आके आर्म्ड ऑफिसर्स ने उनको मारा, मतलब शूटिंग किया, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे सकते हैं, बट दे ऑल्सो पंच होल्स इनटू सीआरपीएफ ओन इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट्स, बट इससे सीआरपीएफ कोई भी मैटर में इन्वेस्टिगेट करके अंदर जाती है या नहीं जाती है, अटैक करती है या नहीं करती है, इस पर एक बड़ा यू नो धब्बा लग गया। In Adismita, for instance, no items recovered from field were sent for forensic analysis. और CRPF खुद भी फिर जो analysis करती है तो वो भी ठीक नहीं कर रही है, ये पता चलता है, क्योंकि जो भी उस दिन हुआ अटैक उसमें फील्ड पे जो चीज़ पाई गई उसको किसी को फॉरेंसिक एनालिसिस में नहीं भेजा गया था, तो क्लियरली दिख रहा है कि उनका ही गलती था। ठीक है, सो इन छत्तीसगढ़ 27 पीपल वर किल्ड इन मेओइस्ट अटैक अ वीक आफ्टर Adismita इंसिडेंट, तो ऐसा भी होता है कि सच में मेओइस्ट अटैक्स करते हैं और उसमें भी लोग उनको भी मारा जाता है, तो ये इनोसेंट लोगों को मारा गया और उसी के एक ही वीक के बाद 27 मेओइस्ट के अटैक में 27 लोग भी मारे गए इन हमारे आर्म फोर्सेस के भी, तो दोनों साइड की ये स्टोरी है। ठीक है, बट जहाँ जहाँ इंसर्जेंसीज होती है जैसे कि पंजाब और नॉर्थ ईस्ट और मेओइस्ट बेशंस में, तो इन सब में एक यू नो बहुत कंट्री का डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेवलपमेंटल गोल्स स्टेक पे लग जाता है अगर उसको ठीक से हैंडल ना किया जाए। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफकोर्स उनको अटैक करना चाहिए, बट मस्ट लर्न द राइट लेसन, दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल वेन दे डोंट। तो ऑफकोर्स उनको अटैक करना चाहिए जब भी ज़रूरत है, बट जब भी उन्होंने ज़रूरत नहीं है और अटैक किया तो उनको अकाउंटेबल भी करना ज़रूरी है, दे शुड बी मेड आंसरेबल ऑल्सो, देन ओनली दे स्टे इन देयर लिमिट्स, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने पूरा एडिटोरियल समझा अबाउट द यू नो इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स यूज्ड बाय आर आर्म्ड फोर्सेस अगेन एंड अगेन, उसके बारे में उसका रिपोर्ट आया है, उसके लिए हमने ये वाला आर्टिकल पढ़ा है। आई होप
एवरीबडी इज क्लियर विद दिस आर्टिकल, दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिटोरियल. आई होप सबको समझ में आया. समझ में आया है नहीं गाइज? समझ में आया तो बोलो यस मैम समझ में आया. जिसने भी लाइक बटन हिट नहीं किया है जल्दी से कर लो. अनुष्का इज आस्किंग आपकी लीगल की क्लास कब होती है मैम? लीगल वाली क्लास अभी मुझे शेड्यूल करनी है, नेक्स्ट वीक से होगी बेटा. फिर नेक्स्ट वीक से मैं ज़्यादा दिन वीक में लेने वाली हूँ, 3-4 दिन वीक में लेके फटाफट आपका सिलेबस करवाऊंगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिटोरियल पेज. आई होप सबको समझ में आया. तो अनुष्का आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और मेरा मेरे नाम से सर्च कर सकते हो निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर. वहाँ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मेरी लीगल क्लास कभी होती है. एंड ऑफकोर्स आप मुझे अनएकेडमी पे फॉलो भी कर सकते हो, तो भी मेरी जब भी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. तीसरा चीज़, आप यूट्यूब क्लास भी रेगुलरली अटेंड कर सकती हो, मैं इसमें भी अनाउंस कर दूंगी जब भी क्लास है. ठीक है, शिवम इज आस्किंग मैम आपकी क्लास डेली क्रश हो जाती है. क्रश ये क्या बोल रहे हो शिवम? क्रश हो जाती है मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो. दूसरा एक न्यूज है जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है. बिटिन कॉल्स जिनपिंग, जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है, एज US चाइना टाइज ग्रो मोर फ्रॉट. हमको पता है US और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बट तालिबानी ने जब भी अफगानिस्तान कैप्चर किया, चाइना उनकी गोदी में कहीं जाके बैठा है एंड चाइना एक बड़ा सुपर पावर बनने की तैयारी में तो है ही. तो ऐसे टाइम पे जो बिडेन उन्होंने US चाइना के प्रेसिडेंट को जिनपिंग जी को बुलाया और उनकी टाइज बेटर करने की ट्राई की है, विच इज़ नॉट दैट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया. ओके, देन ये वाली न्यूज़ लिख लेना गाइज, ये स्टार मार्क करके दे रही हूँ. लेबनन जहाँ फिनांशियल क्राइसिस और बड़ा फिनांशियल केओस चल रहा था 13 मंथ्स से, 13 महीनों से लेबनन में एक भी गवर्नमेंट नहीं थी, विदाउट गवर्नमेंट कंट्री रन हो रही थी. तो लेबनेज फैक्शन ने एक नई गवर्नमेंट बना ली है. किसने बनाई है? तो न्यू कैबिनेट 24 मिनिस्टर्स की बनाई है, जिसमें इट्स हेडेड बाय बिलियनियर बिजनेसमैन नजीब मिकाती. उन्होंने प्रेसिडेंट्स ऑफिस से ये अनाउंस हुआ है कि ये नए प्राइम मिनिस्टर होंगे कंट्री के. एंड लेटर सेक्रेटरी जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मोहम्मद मैके ने भी अनाउंस किया और मिनिस्टर्स का शपथ विधि वगैरह लाइक ओथ करवाया. तो नाजिब मिकाती ये है और एक नए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे लेबनन के, नई गवर्नमेंट बन चुकी है लेबनन में. ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है देखते हैं. ओके, व्हाट्सएप टू ऑफर एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑफर ऑप्शन फॉर बैकअप्स. तो क्या करने वाला है व्हाट्सएप? देखिए, सो हम जो व्हाट्सएप की चैट्स क्या या किसी भी फाइल्स का मीडिया फाइल्स का बैकअप जो करते हैं गूगल ड्राइव में, तो वो गूगल ड्राइव में भी हम जब सेव करते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस, उससे भी हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन से अभी कर पाएंगे. ऐसा एक नया अपडेट व्हाट्सएप लाने वाला है और उसको भी हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं गूगल ड्राइव में भी जो है, बिकॉज गूगल ड्राइव से भी वैसे तो काफ़ी सेफ होता है. वैसे तो गूगल ड्राइव पे काफ़ी सेफ होता है, बट फिर भी अगर आपके गूगल के पासवर्ड वगैरह लीक हो गए तो ये आपकी व्हाट्सएप फाइल्स भी लीक हो सकती है. तो व्हाट्सएप का जो भी डेटा आप गूगल ड्राइव में भी सेव करते हो, उसे भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन से पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया जा सके, वैसा नया अपडेट व्हाट्सएप लाने वाला है. सो व्हाट्सएप इज गोइंग टू ऑफर एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑप्शन फॉर बैकअप्स ऑल्सो. देखिए, ठीक है, सो एक नया न्यूज है इंपॉर्टेंट वाला. राइट, नेक्स्ट वन इज एप्पल मस्ट ईज ऐप स्टोर रूल्स. तो एप्पल के जो ऐप स्टोर के रूल्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है, तो US के एक जज ने ऑर्डर किया है कि एप्पल को अपने ऐप स्टोर के रूल्स को ईजी करना चाहिए, थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज उनका देखो स्टॉक स्लाइड भी हुआ है, नॉक्स फॉर ऑफ $63 बिलियन इन वैल्यू.
तो 2.5% जितना शेयर्स गिर गया है और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 63 बिलियन डॉलर का एप्पल का वैल्यू कम हो चुका है, ठीक है। और डिसीजन स्ट्राइक्स डाउन, ये डिसीजन के वजह से कि एप्पल के ऐप स्टोर रूल्स जो है ना वो प्रोहिबिट करते हैं डेवलपर्स को फ्रॉम यूजर्स, अगर एप्पल के ऐप स्टोर पे किसी ने ऐप डाउनलोड किया है तो वो ऐप डेवलपर को कंपलसरी एप्पल का ही पेमेंट सिस्टम यूज़ करने का ऐसा जो कंपल्शन करते हैं, अगर नहीं यूज़ किया तो उनकी यू नो एप्लीकेशन वो लोग डिलीट कर देंगे। ये 2 दिन पहले ही मैंने एडिटोरियल में आपको पढ़ाया था, ये वाला एडिटोरियल हमने पढ़ा था। तो गूगल और एप्पल जो ये कर रहा है उसके ऊपर नए रूल्स ला रहा है, ये वाला रूल्स साउथ कोरिया में आ चुका है ये हमने देखा। तो इसी के रिगार्डिंग US कोर्ट में भी डिसीजन आया कि ऐसे रूल्स नहीं रख सकते कि अगर आप एप्पल का पेमेंट सिस्टम ना यूज़ करो तो एप्पल के ऐप स्टोर पे आपको ऐप डाउनलोड नहीं करने को मिलेगा। ऐसे रूल्स जो लाए हैं इसको US के जज ने बोला है आपको ईज डाउन करने हैं। और ये डिसीजन के बाद 2.5% जितने एप्पल के स्टॉक्स जो है गिर चुके हैं, ऑलमोस्ट वैल्यू 63 बिलियन डॉलर जितना कम हुआ है। सो दैट्स बैड, ओके। तो ये हुआ है एप्पल कंपनी में, ध्यान में रखिएगा। US में भी ये डिसीजन आ चुका है एंड यस ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हो चुके हैं। स्पोर्ट्स न्यूज में खास इंपॉर्टेंट आज कुछ नहीं है। सो आज द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने आपको एनालिसिस सेशन करवाया। आई होप आपको ये एनालिसिस सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो विदाउट फेल लाइक बटन हिट करना, कमेंट कर के बताना कि कैसा लगा सेशन, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट आज 11 सितंबर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए कवर कर ली है। आई होप गाइज दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। बाय बाय, सी यू ऑन मंडे नाउ। एंड आज ये वाली क्लास भूलिएगा मत अटेंड करना, स्टैटिक GK की क्विज क्लास हो रही है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल फ्री वाली क्लास, स्पेशल क्लास मतलब फ्री वाली क्लास अन अकेडमी पे, जिसमें आपको पोल वाले फीचर्स, रेज योर हैंड ऑप्शन, ऐसे सारे अच्छे फीचर्स है। सो रात को 9:30 to 10:30 मैं स्टैटिक GK का क्विज करवाऊंगी, जरूर आइएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अनुष्का इज आस्किंग मैम आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे ना। अनुष्का, आई यू अनुष्का गंगवाल, और आप लीगल के सिलेबस की बात कर रहे हो। अच्छा अनुष्का आपने ज्वाइन कर लिया है, कौन सा वाला ज्वाइन, क्या कर लिया बेटा? प्लस क्लास आपने ज्वाइन किया, ऐसे बोल रहा है बेटा? I'm waiting for Anushka's answer and then I'll wind up the class. Anushka, I'm waiting for your answer. Jaldi se bata do beta. क्या ज्वाइन कर लिया अनुष्का बेटा, आप क्या बोल रहे हो, और कौन से लीगल के सिलेबस की बात कर रहे हो बेटा, और क्या आप अनुष्का गंगवाल हो? ऑलराइट अनुष्का, बाद में भी आंसर कर सकते हो, रिप्लाई कीजिए मैं चेक कर लूंगी। ऑलराइट गाइस, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू एवरीवन। Thank you so much. Bye-bye, everyone. Bye-bye. See you on Monday now. Monday to Saturday, every day session hota hai, 10:15 to 11. Monday ko milte hai. All right? Bye. Bye, Vikash. Most welcome, Banakshi.